व्हाट्सअप गाइस, क्या होता है कि मान से एल्बम में आप कोई फाइल डिलीट या फोटो या वीडियो डिलीट करते हो, वो क्या होता है, परमानेंट डिलीट नहीं होता है। मान से डिलीट कर दिया पर उसका जगह नहीं खाली होता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि एल्बम से आप कोई भी फोटो वीडियो परमानेंट कैसे डिलीट करोगे। सो गाइस, सबसे पहले एल्बम ऐप ओपन करना है, जैसे कि हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट को हमने डिलीट कर मान लीजिए करना है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये डिलीट दिखा देता है, जैसे कि हम देख सकते हो डिलीट हो चुका है, लेकिन ये डिलीट अभी नहीं हुआ है। तो गाइस, आपको डिलीट परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको सिंपल से स्क्रॉल डाउन नीचे करना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड का, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना। तो सिंपल से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको सिंपल से यहाँ पे जिसको भी डिलीट करना है परमानेंट या सबको एक साथ डिलीट करना चाहते हो, जितना भी अभी तक आपने 30 दिनों के अंदर यहाँ पे डिलीट किया होगा, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसे डिलीट करना चाहते हो परमानेंट, तो यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लो या एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर इस पर क्लिक करके आपको जिसको भी डिलीट करना है या सभी को डिलीट करना है, तो 3 डॉट पर क्लिक करो, सेलेक्ट और कर लो और यहाँ पर आसानी से डिलीट कर दो। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, अगर जो मान लीजिए कोई गलती से डिलीट हो गया, उसे रिकवर करना चाहते हो, तो सिंपल से गाइस यहाँ पे डिलीटेड फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो हम डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो आई होप कि आपको फुल डिटेल्स मिलेगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।